الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الله وملائكته إِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسلیم محبت نہ درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اجماہی ساڈا ارشاد معراج مناون چلے آئے اجماہی ساڈا ارشاد معراج مناون
चले आए इस सुती हुई उम्मत दी किस्मत नो जगावन चले आए इस सुती हुई उम्मत दी किस्मत नो जगावन चले आए अल्लाह नो अपनी उम्मत दे दुख दर्द सुनावन चल आए अल्लाह नो अपनी उम्मत दे दुख दर्द सुनावन चल आए नाल दी दे दे प्यासियानू नाल दी दे दे प्यासे अरिशियानू दीदार करावन चल आए अजमाही साडा अरिशिया दे मेराज मनावन चल आए जिन्नू लोकी आँख देखा की सन जिन्नू अपने वर्गा जानन दे सन ओ खाकी वेखो अज सबक पढ़ान चल आए अज माही साडा अरशाद मेराज मनावन चल आए इस सुती हुई उम्मत दे किस्मत नु जगावन चल आए अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमदो सना तो बाद करीमा कल ही सलातो वसलाम दी बारगाह दे अंदर हदीए दरूद व सलाम दा नजराना पेश करों तो बाद रब्बे कैनात दी बारगाह दे अंदर दुआ गो अल्लाह ताला हक सच बयान दी तौफीक अता फरमाए सुन के सुना के मैनू थानू सानू सब नू अल्लाह हक दे अमल दी भी तौफीक अता फरमाए गुज़श्ता जुमातुल मुबारक दे अंदर अल्लाह दी तौफीक दे नाल जिथे तिकर मुनासिब हो सकिया सी वाकई महराज नू पढ़न की कोशिश की अज इंशाला उस तो अगे इंशाला कोशिश करांगे तो इंशाला चंद जुमलियां दे अंदर बयान करके कंप्लीट करने की भी कोशिश करांगा रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद लहरामी इलल मस्जिद लक्सा पाक उसाद जिन्हें अपने बंदा खास नू रात दे कुछ
हिस्से के अंदर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। ओ मस्जिद अक्सा मिनल मस्जिद हरामी इलाल मस्जिद अक्सा लदी बारक ना हौलहू, जिंदे इर्दा गिर्द अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बरकतां रखियां ने। अल्लाजी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, जिंदे इर्दा गिर्द अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां भी बयान कीतियां। तो हजरत ऐसी सफरे मेराज जमीन दा हुण आसमाना ते मेराज की गल करने वा कि जिहड़ा आसमाना तों मेराज होया। तो हजरत एक इत्थे मैं गल करदा जावां, हर बंदा तालबी कि मैं अपने परवरदिगार दा दीदार कर लवां। शहीद जो शहीद हो जाता है, गर्दन ते जो तलवार चलती है, उस वक्त नबी दे फरमान दे मुताबक उस शहीद नूं परवरदिगार दा दीदार करवाया जांदा वे। वो शहीद जदों जन्नत विच जांदा, जन्नत दीआं नेमतां वेंदा वे, जन्नत दे बागात, जन्नत विच इह सब कुछ राहत वेखदा वे। उस वक्त खलके कहना दी तरफों आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे कोई ऐसी चीज है जन्नत विच जिंदी तू तलब रखदा होवे तां तैनूं मिली ना होवे। अर्ज करता है, या अल्लाह जन्नत तेरी बड़ी सोहनी है, बहुत सोहनी है, पर या अल्लाह जेड़ा ओ दुनिया दे वक्त जदों मैं तेरी राह विच शहीद हो रहा सा, जदों मेरी गर्दन ते तलवार चल रही सी, मेरे जिस्म दे टोटे किते जा रहे सी, उस वक्त जेड़ा तेरा दीदार होया सी, या अल्लाह ओ दीदार दी झलक मैनू जन्नत विच नहीं नसीब हुई। अल्लाह फरमांदा फिर तू की चाहना वे? अर्ज करदा, या अल्लाह के मैनू दोबारा दुनिया दे भेज, मैं तेरी राह विच कतल होवां, शहीद किया जावां, जदों मेरे जिस्म दा कीमा बनाया जाए उस वक्त जिहड़ी तेरा दीदार होएगा मैं उस तेरे दीदार दा मुश्ताक हाँ। या अल्लाह मैं वो दीदार दोबारा लेना चाहना वा। तो हजरत प्यारे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो व सलाम रब्बुल आलमीन दी बारगाह च गया, खालक दा दीदार भी कीता, पर मुस्तफा नू उम्मत नाल इतना प्यार सी, खालक दा दीदार करन तो बाद वो जेड़ा हर बंदा तलब रखदा वे कि मालिक दा दीदार हो जाए, उस परवरदिगार रब्बुल आलमीन ने वो सानू महबूब नबी अता कीता है कि अल्लाह दे नबी ने दीदार छड़ के उम्मत दे गम विच वापस आ गए। हजरत उम्मत दी याद विच वापस आए, ये नबी दी वफा उम्मत दे नाल, उम्मती दी वफा पता नहीं कदों नजर आएगी कि उम्मती भी अपने मुस्तफा दे नाल अपनी जान तो माल तो वध के अपने आका दे नाल प्यार करेगा। तो हजरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन हुक्म दिता, आसमान भी सज गया, हूरों मलाइका भी सज गया, पोशाकां बदल दित्तियां गईयां, फरिश्ते मालक दी इबादत छड़ के कितारां विच खड़े हो गए ने, लाइनां विच खड़े हो गए कि अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार करवाया जाएगा। कुर्बान जावां हुण मस्जिद अक्सा दे विचों जदों फारग होए ना, बाहर आए, बुराक ते तशरीफ फरमा होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जबरील पहले आसमान ते कुरान लिख दे, पहले आसमान ते कुरान तहरीर कर दे, दूसरे ते भी कर दे, तीसरे ते भी, सत्ता आसमाना ते कुरान दी आयात लिख दे। या अल्लाह लिखना की वे? खालिक कायनात रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील पहले आसमान ते आ जाओ, जिब्रील अमीन पहले आसमान ते आए, अरज कीती मालिक मौला की लिखा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिब्रील लिख
या अल्लाह की लिखा फरमाया मैं क्या मुहम्मद ولكن رسول الله وخاتم النبيين رب العالمين فرمایا جبريل لکھ يا اللہ کی لکھا فرمایا وكان الله بكل شيء عليما یہ اللہ دا قرآن ہے پہلے آسمان تے اللہ نے تحریر فرمایا فرمایا جبریل لکھ دے پہلے آسمان تے قرآن لکھیا گیا وے اے نبی دی آمد دی خوشی وچ मुस्तफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिता कि जबरील हुण पहले आसमान छड़ दूसरे ते आ जा दूजे ते आ जा जबरील हुण दूजे ते चला गया या अल्लाह इत्थे की लिखना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जबरील लिख या अल्लाह की लिखा रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिख दे या النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا رب العالمين فرمايا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فرمایا دوسرے آسمان دے قرآن لکھوایا فرمایا چھڈ ہوں دوسرے آسمان دی سن تیسرے دے آ جا تیسرے دے رب العالمین نے بلایا یا لکی لکھا اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھ إن الله هو ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا ہوں جبریل تیسرا آسمان بھی چھڈ چوتھے تے آ جا چوتھے آسمان تے آ گئے یا اللہ ایتھے کی لکھنا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل لکھ یا اللہ کی لکھا پروردگار رب العالمین دی طرف ہوئے آواز آئی جبریل لکھ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل ہن چوتھا چھڈ پنجویں دے آ جا ایک قرآن لکھا جا رہا ہے نبی دی آمد دی خوشی وچ نبی آ رہا ہے فرمایا ہن پنجویں آسمان تے آ جا پنجویں آسمان تے جبریل گئے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ کی لکھاں اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھ
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك بزورك الذي أنقض ظهورك ورفعنا لك ذكرك رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین ہن کی لکھنا وے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل لکھ عرض کیتی مالکہ کی لکھاں رب العالمین نے فرمایا و ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عالمی اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل صدمے آسمان دے آ جایا اللہ ایتھے کی لکھنا وے رب العالمین نے فرمایا صدمے آسمان دے لکھ یا اللہ کی لکھا اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فرمایا کہ ستا آسمان نہ دیکھ قرآن لکھوایا قرآن لکھوایا انہوں فرشتیاں میں عرض کی دی اللہ اے جڑے آسمان دے ستارے نے چاند نے ان دی روشنی بڑی مدم ہوندی جا رہی ہے روشنی بڑی مدم ہوندی جا رہی ہے میرا نبی معراج دی رات چل رہے آسمان نو سفر شروع ہے جویں جویں سونا آسمان دے قریب ہوندا جا رہا ہے ستارہ دی چنہ دی چند دی روشنی مدم ہوندی جا رہی ہے فرشتے عرض کی دی اللہ خیر ہے اے آسمان دے ستارے مدم ہوندے جا رہے ہیں اے آسمان دا چند مدم ہوندہ جا رہا ہے یا اللہ خیر تے ہے وے رب العالمین نے فرمایا فرشتیوں تو انہوں نہیں پتا کہ جس نبی نور والے دے صدقی انہوں نور ملیا ہے اور لجپال سونا محمد میری بارگاہ چاہ رہا ہے سونا میری بارگاہ چاہ رہا ہے ان دی روشنی دے سامنے ان دے نور دے سامنے کسے دا نور ٹک سکدا وے اور جن دے ہوتے میں نو حصے حسن خرچ کیتا او بھی اپنی ٹاٹ ٹھا گیا انہیں بھی کیا سونیا تیری دا زلفان دی قیمت نہیں ہے سونیا تیرے حسن دا براول برا ہے نا اللہ دے نبی چال دیا جو تو پہلے آسمان دے پہنچے پہلے آسمان دے دستک دیتی جبریل نے دروازہ کھڑکایا پہلے آسمان دا آواز آئی آنو آدیا کون ہے کہنے لگا میں جبریل ہاں اگے بھی جبریل جاندہ سی دروازہ کھولیا نہیں فرشتیاں پھر صدا دیتی کہ تیرے نال کون ہے تو جبریل امین عرض کی تھی میرے نال اللہ دا حبیب ہیں اللہ دا حبیب ہیں جو تو اے آواز آئی فوراں دروازہ کھل گیا فرشتیاں میں عرض کی تھی جبریل آج دروازہ تیرے واسے نہیں کھلیا اسوں نے رب دے حبیب واسے دروازہ کھلیا او مسلمان بھائیوں میرے لجبالے آگا چلنیا پہلا آسمان دوجہ آسمان تیجہ آسمان اللہ دے نبیان دے نار ملاقات ہوں دی جا رہی ہے اے جو دو لجبالے آگا چل دیا اللہ دے نبی جو دو صدرات المنتحاد تشریف لے آگا صدرات تشریف لے آگے گئے اللہ دے نبی جو دو صدرات المنتحاد ایک مقام ویکھیا صدرات المنتحاد ایک درخت ہے درخت جنہوں بیری نہ درخت کیا جانا اللہ دے نبی نے فرمایا انہیں شاخہ اتنیاں
कि पूरी रोहे जमीन नु घेर लवे इतनी वड़ियां वड़ियां शाखा उंदी जिहड़ी टीशी सी ना छोटी सी जिहड़ी उंदे उत्ते इक कुर्सी बनी हुई सी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जबरील ऐ की है? अर्ज की थी सोना तुहाडे नौकर जबरील दा एक घर है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि आप फरिश्ते की पै करते ने, या नबी अल्लाह ये फरिश्ते तुहाडे नौकर दे नौकर ने, तुहाडे नौकर दे नौकर ने, जबरील दे नौकर ने। जो ये गल की अल्लाह दे नबी ने फरमाया जबरील इन्ना मकाम है इन्नी शान है जरा मेरे नाल गा नहीं चलता, गा नहीं चलता। अरज की हजूर शान जिन्नी भी हो जो कुछ मकाम मिले सोना तेरे कदमों का सदके मैनू मिले वे, इस तो गां मैं नहीं जा सकता, इस तो गां मैं नहीं जा सकता। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जबरील फिर वो वेला याद कर, या नबी अल्लाह कि वेला याद करा? अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ वेला याद कर जिस वक्त मेरा दादा हजरत इब्राहिम अग विच जा रहा सी, जो तो अग विच जा रहा सी तवज्जो रखिया जो, जो मेरा दादा इब्राहिम अग वाल जा रहा सी उस वक्त तू मेरे दादा जान दी बारगाह विच अरज कीती सी ए इब्राहिम अग विच पै जांदे हो अज जबरील दी मदद चाहिए ते दसो। उस वक्त मेरे दादा जान ने आख्या सी कि तेरी जरूरत मैनू नहीं, मैं जाना मेरा रब जाने, मैं जिस मालिक वास्ते अग विच पिया जाना मैनू वेख रहा वे ते कुर्बान जावा। मेरे नबी ने फरमाया मैं उस गल का भी बदला अज तेनू दे के जावांगा, अज वो जिहड़ा तू गल उस औखे वेले तू मेरे दादा जान दे कम आया से ना उस गल का बदला देने वास्ते खलोता, मंग अज जो मंगेगा जहरा दा बाबा तेनू अता करके जाएगा। जबरील ने उस वक्त हुण गल सुन के जरा अपने मुकद्दर ते नाज़ करिया जो ते वेख अल्लाह ने तेरी शान की रखी। जबरील अमीन ने उस वक्त अरज की सोना मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, जो तो कयामत का दिन हो नफसा नफसी का आलम हो कोई किसी को जानने वाला नहीं होगा, सोने रब अगे बस एक मेरे वास्ते अरज मेरी कर दिया जो कि जो तो पुलिस रात तो सोना तेरी उम्मत गुजर रही होगी ना उस वक्त जबरील दे उते पार हो तो सोने तेरी उम्मत के कदम हो सुनिया तेरी उम्मत होवे कदम तेरी उम्मत दे होण नूरियां दा सरदार तेरी उम्मत दे कदमां दे थले अपने पर बिछांदा जावे। ए शान हजरत तेरी कदी अपने मकाम नू समझे ते अल्लाह ने खोल खोल तेरिया जिक्र कीता वे तेरी शान बुलंद कीती वे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातु वस्सलाम हुण गां चले गल्लां बड़ियां लंबियां चौड़ियां ने मुख्तसर करदे होया मेरे मुस्तफा गां चले, जदों गां चले ना जबरील ने अर्ज कीती सोना इस तो अगे मैं जा नहीं सकदा, अगर वाल दे बराबर भी गां हो गया ते ऐ मेरा नूरी जिस्म जिहड़ा है सड़ जाएगा सवा बन जाएगा। हुण इत्थे ये वेखो कि अग नूं अग दे विच शामिल करिए अग ने अग का की कर लेना, कुछ नहीं ना कर सकती, मिट्टी नूं मिट्टी दे विच ला दिए तो मिट्टी हो जानी। पर जबरील गां नहीं गया। हजरत इत्थे मैं एक जुमला देना चाहना रब दी हकीकत दा या मुस्तफा दी हकीकत की है, ये रब जानदा या रब दा सोहना महबूब जानदा वे? ये अज तकर किसी नूं नहीं पता लग्या कि रब की है ते रब दा महबूब नूं अल्लाह ने महबूब नूं बना के की भेजिया वे? अज असीं तां नूर बशर दे मुनाजरे करदे पए झगड़ी जा रहे हां, हजरत रब ही जानता है वह रब की है या रब ने अपने महबूब नूं की बना के भेजिया वे? मुस्तफा गां है चलदियां चलदियां मेरे मुस्तफा करीम अली सलातो वसलाम जो चलदियां चलदियां एक ऐसा मकाम आया अल्लाह दे नबी ने फरमाया सहाबा मेरे कन्ना विच आवाज आई या नबी अल्लाह कैसी आवाज? फरमाया ऐसी एक आवाज आई बड़ी सोहनी आवाज बड़ी मिठी ते सोहनी आवाज आई या नबी अल्लाह केड़ी आवाज? फरमाया कैफ या मुहम्मद, फरमाया मेरे कन विच आवाज आई बड़ी सोहनी ते मिठी आवाज
كيف يا محمد فإن ربك يصلي बड़ी सोनी आवाज आई फरमाया ओ आवाज आई रब्बुल आलमीन दी तरफो आवाज आई ए सोना ठहर जाओ तेरा रब तेरी जात दरूद प्या भेजदा वे फरमाया सोनिया ठहर जा फरमाया कैफ या मुहम्मद फइन्ना रब्बक युसल्ली तेरा रब तेरी जात दे दरूद प्या भेजदा ए मेरे मुस्तफा दी शान अल्लाह दे नबी होर गावे मकामे तदल्ला दे पहुंचे मकामे तदल्ला इंज समझो कि रब और मुस्तफा दे करीब दो हाथ दा फासला रहेगा दो हाथ दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर फरमाया फके نقابكم سعين او ادنا اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا اور قریب ہو جاؤ اے رب جاندا ہے یا نبی جاندا کنے کے قریب ہوئے انہیں تے تشبیہ دے کے میں تے او جملہ نہیں بول سکدا اپنے اپ نو دائرہ اسلام تو باہر نہیں کرنا چاہندا اوتھے کے گل کراں گا جننا کہ میں جاننا وا रब जानता है या रब का महबूब जानता किन्ने के करीब हो जेड़े करते ने उन्होंने पता होगा किन्ने के करीब हो मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं अगली गल इजाफी करा कि ए रब जानता है या रब का महबूब जानता है सोना रब किन्ना करीब होया मुस्तफा दे मुस्तफा सोने रब दे किन्ना करीब होया हजरत मेरे मुस्तफा होर करीब हो अल्लाह दे नबी ने फरमाया सहाबा दे नाल अर्ज गल्लां पे करदे ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया सहाबा मेरे रब्बुल आलमीन ने मैनू 700 दफा आख्या कि सोना मंग की मंगना वे सोना मंग की मंगना वे ते मैं 700 दफा कोई दुनिया नहीं मंगी कोई बादशाहां दा तख्त नहीं मंगे कोई सल्तनत नहीं मंगी मैं रब कोलो 700 दफा एको ही किया या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे हैं मैं 700 दफा रब्बुल आलमीन ने मैनू फरमाया सोनिया मंग की मंगना मैं एको ही अर्ज कर दी रब्बी हबली उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनागार आओ मुसलमान भाईओ 700 दफा अल्लाह ने पूछा सोनिया मंग की मंगना वे मैं 700 दफा उम्मत का सवाल किया कुर्बान जावा मुसलमान भाईओ अल्लाह दे नबी फरमाने ने फिर की होया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मसनद तो उठया वे अल्लाह अपनी मसनद तो उठया वो अपनी शान के मुताबिक उठया किवें उठया अल्लाह रब्बुल आलमीन उठ के सोने मुहम्मद दे जेड़े कंधे ने ना ए कंधे इन्हां दोवां कंधियां दे दरमियान अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक अपनी शान के मुताबिक रखिया अपनी शान के मुताबिक वैसे अल्लाह ताला जिस्म तो पाक है पर वो अपनी शान के मुताबिक अपना दस्ते मुबारक रख रहा है जो तो रखिया अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं उस दस्ते मुबारक की ठंडक अपने दिल विच महसूस की फरमाया जमीन विच सत्ता जमीना दे विच सत्ता आसमाना ते जो कुछ है सी जो अल्लाह की मखलूक है सी मैनू सारिया चीज़ों का इलम हो गया वे अल्लाह ने कि चीज पैदा की थी जो कुछ होने वाला वे जो कुछ हो रहा सी जो कुछ होना सी जो कुछ हो चुकया सी अल्लाह ने हर शायद मनु इलम अता कर चलिया हुण रब दियां ते सोने मुहम्मद दियां राजो न्याज दियां गल्लां होईयां गल्लां बयान करिए ते मुकदीए नहीं हजरत अल्लाह दी मुलाकात तो बाद मुस्तफा नूं जन्नत भी सैर कराई गई दोज़ख दे विच भी सैर करवाई गई आसमाना की भी सैर करवाई गई अल्लाह के नबी जो जन्नत विच गया कह छोड़ो सुभान अल्लाह जन्नत इंशाल्लाह असा ही जाना होर कि अल्लाह ने जन्नत किन्ना वास्ते बनाई है जन्नत का नाम सुन के कह छोड़ो ना सुभान अल्लाह क्योंकि सुभान अल्लाह एक बार आखी ना अल्लाह ताला जन्नत विच उस बंदे का नाम का बूटा ला छड़दा है तो बूटा पता किड्डा वड्डा वे एक बार सुन के सुभान अल्लाह आख्या जो बूटा पता कितना वड्डा वे इतना वड्डा जन्नत विच अल्लाह दरख्त ला छड़दा वे कि 500 साल तक
उते थले घोड़ा दौड़ता रहे ना तो उस दरख्त की छां खत्म नहीं हो। इतना वड्डा दरख्त है ये हजरत जी, इतने असी सुभान अल्लाह दी सदावां ला के तो जन्नत में अपने नाम का बाग बना लीए तो जिथे का बंदा मालक हो, मालक हमेशा ले अपनी जगह पर जाता तो है ना। तो हजरत जिथे मलकीयत हो उत्थे ही जाना है ना, तो जिथे मलकीयत ना हो अगला बन्ना भी लंघन नहीं देंदे। तो जे जन्नत में अपने नाम की कोई मरबा मरूबा बना लो तो अल्लाह के हुक्म ना इंशाला सत्ते खारा हो जाएंगे, जन्नत फिर जावे ना। कह छोड़ो गज के सुभान अल्लाह। फरमाया जन्नत विच गया, जन्नत की सैर की, जन्नत हूरां ने भी हुण घेरा पा लिया। अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी की बारगाह च अर्ज़ की, सोना तुसी आए हो मेहमान, जदों भी किसी के घर जाता है कुछ ना कुछ तोहफे लैके जाता, सोने साढ़े वास्ते की लैके आए हो, साढ़े वास्ते की लैके आए हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत हूरां दे विच तकसीम होने लग पई, फरमाया जा तेनू फलां साहबी दिता, तेनू फलां दिता, फलां दिता, फलां दिता, तेनू फलां दिता, सारियां हूरां नू मिल गया। एक रह गई जिहड़ी जन्नत हूरां दी सरदार सी, वह भी हुण गां वधी पोले पोले कदम रखदी हुई मुस्तफा दी बारगाह च, सोना जरा हुण मेरे वास्ते की लैके आए हो, ते मैं ते इस जन्नत दी चुधरानी हाँ, इस जन्नत दी सरदारी मेरे कोल है, क्योंकि जन्नत दे विच सारियां हूरां दी सरदार ते मैं हाँ ना, ते सोणिया मेरे वास्ते की लैके आए हो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया इधर तू है उधर मेरे काले रंग दा बिलाल है। तुसी उस जौगदार बोल नहीं रहे कि मैं टोटिया ने नाल तो गल सुनाई नहीं, बड़ी तरतीब नाल गल सुनाई है, तो तुम माशाल्लाह अपने सिर तो टपाई जाते हो गज के कुछ सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने फरमाया इधर तू रह गई उधर मेरे काले रंग दा बिलाल, उधर मेरे काले रंग दा बिलाल। जन्नत हूरां दी सरदार बोली कह लगी सोने किथे जन्नत हूरां दी सरदार इतनी हसीन ओ जमील, उधर काले रंग दा बिलाल। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तू अपने हुसन दे मान करनी, अपने हुसन दे मान करनी है। अर्ज की सुनिया वो काले रंग दा बिलाल, किसी नू अबू बकर जैसा सहाबी मिले आवे, किसी नू उमर पाक जैसा, किसी नू उस्मान पाक जैसा, किसी नू तलहा ते किसी नू जुबैर जैसा, सुनिया मेरे हिस्से विच काले रंग दा बिलाल। अल्लाह दे नबी ने फरमाया इत्थे गल मैं कीती है, अल्लाह की इज्जत की कसम है जब मैं अपने बिलाल को पूछना है ना, पता नहीं वो तेनू पसंद भी करता या नहीं करता, तेनू पसंद भी करता या नहीं करता। वो जन्नत हूरां दी सरदार बोली सोनिया मैनू पसंद नहीं करेगा, इतनी हसीनो जमील। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जन्नत हूरां दी सरदार नू कहन लगे अल्लाह के नबी ने फरमाया तू अपने हुसन ते माण करनी है, फिर सुन ले ओ जिन्ने मदीने वाला वेखिया वे, ओ जन्नती हूरा दिखी, ओ जन्नती हूरा दी सरदार भी आ जाए, ओ कदी मदीने वाले वलो निगाह नहीं हटांदा हूं। कुर्बानी जावा मेरे नबी ने फरमाया हूं ए ते मैं बिलाल कोलो जाके पुछांगा हूं ओ तेनू पसंद करता भी या नहीं करता। शिक होना एकादी दना सो ने रब दाऊ जय ए शकली बनाई। फरमाया बेलिया तू तो दुनिया के हुसन से मरना है, आशक जो उस मालिक का बन जा जिन्हें सूरत बनाई ने। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम बीबी ज़ुलैखा सी ना बड़ी तरले मारती सी, किस तरीके यूसुफ दी दीदार हो जाए, जो यूसुफ मिल गया ना
हज़रत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम बीबी जुलैखा पाक ने एक दिन कह लगे जुलैखा की गल है बड़ी दूर दूर रही अगे मेरे पिछे दौलत निसार करन तैयार से दौलत दे छड़ी सब कुछ कुर्बान कर छड़िया ती हुण मेरे वल वेंदी नहीं। ते बीबी जुलैखा ने एक जवाब पता की दिता सी फरमाया यूसुफ अगे तेनू वेख्या सी हुण अगे मैं तेरी आशक सा हुण तेनू बनाउण वाले दी आशक बन गई वा है ते तू देखे की चीज है तेरा हुसन उस मालक दी जात अगे कीड़ी चीज है हुण मैं उस आशक उस मालक दी बन गई जिन्हें तेनू बनाया वे हजरत दुनिया दे नाल मुहब्बत करन नाल उस मालक नाल मुहब्बत कर जिन्हें दुनिया बनाई है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया पूरा नूं कह लगे ये तो मैं कह रहा वा मेरे बिलाल की मर्जी है तेनूं पसंद करता भी या नहीं करता कुर्बान जावा मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम सैर कर रहे हैं एक ग्रोह वेख्या ए हुण गल जरा तवज्जो दे नाल एक ग्रोह वेख्या कि जहन्नम दे विच सड़ रहा वे बलदा पिया उन्हां दे पेट वड्डे वड्डे पेड़ ने उन्हां दे पेट वड्डे वड्डे ने अल्लाह दे नबी ने वेख्या अल्लाह दे नबी ने फरमाया जबरील है किहड़े ग्रोह ने किहड़ा गुनाह कीता वे इन्हां दे मुंह दे अंदर अग पाई जा रही जहन्नम दी अग इन्हां दे अंदर दाखिल कीती जा रही उस अग दे नाल इह सड़ जांदे ने बल जांदे ने सवा बन जांदे ने फिर इन्हां नूं जिंदा कीता जांदा है ये इसे तरह कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा आखिर गुनाह किहड़ा कीता अल्लाह दे नबी दी बारगाह अर्ज कीती या नबी अल्लाह ए ओ लोग ने जिन्होंने दुनिया के हमसायां दा यतीमां दा मस्कीनां दा अपने महल्लेदारां दा हक खाधा क्योंकि जेडे खांदे ने तो जारी गल उन्हां दी तबीयत के खिलाफ है गल ते जेडे नहीं खांदे उन्हां नूं खुश होना चाहिए ते जेडे खांदे ने उन्हां नूं तौबा करनी चाहिए है तौबा भी उदों कबूल होनी जदों उन्हां दा हक देवेगा ये भी याद रख लिये ना वे मसीती आन के अद्धी रात वे तौबा कीती जावे ते गरीबां दा हक दवे ना वो तौबा कबूल नहीं होनी तौबा ओही मालक दी बारगा च कबूल होनी है हकदार दा हक दे के फिर मालक दी बारगा च चुक फिर वेखी तेनू चुकन दा सवाद आ जाएगा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जबरील केड़े लोग ने अर्ज कीती या नबी अल्लाह ओ लोग ने जेड़े दुनिया दे यतीमां दे मस्कीनां दा ते गैरां दा अपने मुहल्लेदारां दा ते हमसायां दा हक खांदे सी अल्लाह दे नबी ने फरमाया फिर मैं एक होर ग्रोह वेख्या वे जेड़ियां नूं सजा दित्ती जा रही है सामने गोश्त सामने बड़ा लजीज गोश्त पिया वे बड़ा आला किस्म दा गोश्त पिया वे अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ आला किस्म दा गोश्त छड़ के ते कच्चा गोश्त खा रहे ने बदबूदार गोश्त आला किस्म दा खुशबूदार गोश्त छड़ के बदबूदार गोश्त खा रहे ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया जिबरील ऐ किहड़े लोग ने अर्ज कीती या नबी अल्लाह ओ लोग ने लोग ने जेड़ी अपनी हक लाल बेगम नु छड़ के गैरां दी इज्जत वल वेंदे सी इत्थे भी बंदे दी बड़ी तबीयत खराब होनी या नबी अल्लाह खुशबूदार गोश्त छड़ के बदबू वाला गोश्त खा रहे ये उन्हां नु सजा होएगी ते हजरत इस वास्ते कदी एक काम किसी दी इज्जत नु तकन तो पहले ये जरूर सोच ली कियामत वाले दिन अंजाम तेरा की होगा अल्लाह ने अंजाम तैयार कर छड़िया नबी ने दस भी दिता कि ए अंजाम उन्हां दा होवेगा फिर अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं एक होर ग्रोह वेख्या बीबिया का अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि मैं एक बीबिया का ग्रोह वेख्या जिन्होंने बड़ी दर्दनाक सजा दिती जा रही अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि जबरील ए किहड़े लोग ने ए बीबिया किहड़िया ने किहड़ा इंज दा गुनाह कीता वे अर्ज कीती या नबी अल्लाह ओ बीबिया ने जिहड़ियां अपने हक लाल खामद नूं छड्ड के गैरां कोल जांदियां ये अल्लाह दे नबी दा फरमान है। इस वास्ते मैं अपनियां मावां भैणां नूं भी कहांगा और जिन्ने मेरे वीर हजरात मैनूं बार अंदर सुन रहे ने उन्हां नूं दावत फिक्र दवांगा अगर किसी की इज्जत वल तकोगे या भैणां अपनियां मावां भैणां नूं भी कहांगे कि अपने खामद नूं छड्ड के गैरां कोल जाओगियां ते अंजाम मालक कोल तुहाडा तैयार पिया वो मालक ने नबी ने बयान कर छड़िया 1400 साल पहले वो अंजाम दी तैयारी करके जाया जो हजरत अज तौबा तैब हो जाओ उस बुरी सजा तो बच जाओगे।
अज तौबा कर लोगे मालिक माफ कर देगा। अज तौबा का दरवाजा खुलिया वे तो जो इजराइल साई आ जाना ना वो जना फिर तौबा का मौका नहीं मिलना, फिर साइया फड़ लेना तो फिर माफी नहीं मिलनी हजरत। फिर जिन्हें मर्जी उरस होंगे रहन तो भावें जिन्हें मर्जी तो कुल के साथ ही होंगे रहन वह सजा पुख्तनी पैनी है तेनों। आओ मेरे मुस्तफा करीम अली हिस्सला दो सलाम ने फरमाया सैर हो रही है अल्लाह रबुल आलमीन की बारगाह अल्लाह ने 50 नमाजा दितियां। फरमाया सोने मेरे को आया है मैं तेन 50 नमाजा का तोहफा देना वा। सोने तू दस मेरे वास्ते की लैके आया है, तू मेरे वास्ते की लैके आया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह मैं तेरे वास्ते वह चीज लैके आया जी तेरी बारगाह है ही कोई नहीं। गल मैं कीती जिम्मेदार भी मैं, तुसी क्यों परेशान हो गए गज के कुछ समान अल्लाह। या अल्लाह मैं वो चीज लैके आया जी तेरी बारगाह च है ही कोई नहीं। हुण मालिक की बारगाह च भी किसी शायद ही थोड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं वो चीज लैके आया जी तेरे को या अल्लाह नहीं है। या अल्लाह तू मैनू नमाजा का तोहफा दिता है पर मैं वो लैके आया वा जिन्हू आजजी कहते हैं। या अल्लाह तू किसी के अगे आजज नहीं होता, बंदे ने जेड़े तेरे सामने आजज होते हैं। इस वास्ते मालिक की बारगाह च आजजी नहीं, असी मालिक की बारगाह च आजजी कर सकते हैं, मालिक साढ़े सामने आजज नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह वो तो बेपरवाह है ना मालिक। इस वास्ते अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह मैं तेरे वास्ते आजजी लैके आया। हजरत मुस्तफा ने 50 नमाजा का तोहफा लैके आए ना वापस तो सामने मूसा कलीमुल्ला का दीदार होया। फिर हजरत मूसा कलीमुल्ला ਦੇ ਨਾਲ जो मुलाकात हुई हजरत मूसा ने अर्ज की या नबी अल्लाह की लैके आए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की बारगाह विचों 50 नवासा लैके आया वा। हजरत मूसा कलीमुल्ला ने अर्ज की या नबी अल्लाह 50 नवासा मेरी उम्मत एक नमाज नहीं पढ़ती सी तुहाडी ते 50 नवासा या नबी अल्लाह अल्लाह की बारगाह विच जावो ना ए 50 नमाजा नहीं पढ़न गे या नबी अल्लाह एक चक्कर ला के आऊ। अल्लाह दे नबी दोबारा गए 5 माफ हो गई 45 लाके आ गए। फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा या नबी अल्लाह किनिया नमाजा फरमाया 45 नमाजा रह गई ने। अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी या नबी अल्लाह ए 45 भी नहीं पढ़िया जानिया दोबारा फिर जाओ ना हद्दा की एक चक्कर लग्या दूजा भी लग्या 7 चक्कर लगन तो बाद जो अल्लाह के नबी बार बार चक्कर लाए जो चक्कर लगन तो बाद सिर्फ 5 नमाजा रह गई। हूँ मुस्तफा वापस आए ना अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 नमाजा रह गए मूसा अरज की थी सोना एक चक्कर होर ला लो जरा जे सोना जाता तो माफ रब कर छड़नी सी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जबरील ए मूसा हुण मैनू अपने मालिक की बारगाह च जांदिया शर्म आती है कि 5 नमाजा ये मैं हुण वापस नहीं जावांगा। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने इत्थे हुण लोग इतराज करते हैं कि अल्लाह के नबी को जे गैब दियां इलम हुंदा गैब दियां खबरां रख दे तवज्जो रखिया जो मैं तुहानूं पहले इतराज सुनावांगा फिर जवाब देवांगा। लोग कहते ने अगर अल्लाह के नबी को इलमे गैब होंदा गैब दियां खबरां रख दे ते अल्लाह के नबी पहले कह देंगे या अल्लाह जो रह ही 5 जानिया ने तो दे ही 5 दे क्यों मैनू बार बार चक्कर पिया लवाना। समझ आई ना गल तो यकीन जो आम जहा बंदा उसके पैरों थलो जमीन निकल जाती अरे गल तो सही है पर किस्मत माड़ी जदों भी इन्हां बेलियां ने बंदा फड़िया ना वह फड़िया जिन्हों बेचारे नूं इलम नहीं है इलम वाले बंदे दे सामने कभी अल्लाह के हुक्मनारे खलो नहीं सके उन्होंने पता कि इन्हां कोल हर गल का जवाब है वे कहिंदे ने बेली कि जे नमाजा ही 5 रह जाणियां सी ते बार बार चक्कर क्यों लाए पता लग्या कि अल्लाह के नबी कोल इलम नहीं है सी। ते जदों ये इतराज करदे ना हजरत उनका जवाब है वे बकौल इन्हां दे अल्लाह के नबी कोल इलमे गैब नहीं है बकौल इन्हां दे पर साडा ते ईमान है ना अलहमदुल्ला अल्लाह के नबी को इलमे गैब है वे पर मैं इन्होंने यही कहना चाहना चलो मान लिया मुस्तफा इलम का गैब का इलम नहीं है
पर रब्बुल आलमीन तो आलिमुल गैब मनते हो ना कि रब नहीं पता सी रह पांच जानियां ने दे के पांच भेज छड़ा ए हजरत अकल दे अन्यां नूं पुछना लो वे रब जानदा रब दा महबूब जानदा वे ये बार बार चक्कर रब क्यों लवाए ने करना चाहना वा जदों कि आओ हजरत मूसा कलीम उल्ला जदों कोहे दूर ते जाके दवावा करदे सी या अल्लाह मैनू अपना दीदार करवा दे या अल्लाह मैनू दीदार करवा दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा एक वेला आएगा तू मेरा दीदार ते नहीं कर सकदा हूं पर आ जा आसमाना दे खुली बाल जदो मेरा नबी जदो मेरे दीदार वास्ते आवेगा उस वक्त मेरे नबी दे चेहरे मुबारक दा दीदार कर लई इंज लगेगा जिवें तू अपने रब दा दीदार कीता उस वक्त इंज लगेगा जिवें तू अपने मालिक दा दीदार पिया करना हजरत इस वास्ते दे आला हजरत बोले आ फरमांदे ने आला हजरत अजीम उल बरकत शाह इमाम अहमद रजा दाईदारे बरेली बोले आ फरमांदे ने सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं खलील का गुले जेबा कहूं तुझे बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे आओ मुसलमान भाइयों मेरे नबी वापस आए मेराज तो वापस आ गए अल्लाह दे नबी वापस तशरीफ लेके आए अल्लाह दे नबी ने अपने सहाबा दे नाल गल की एक गल चलदी चलदी अबू जहल दे कान विच पई लांदियां दा सरदार ने जदों गल सुनी बड़ा परेशान होया उन्हें आखिया चल शैतान नूं शैतानी करन दा मौका लभे तो फिर लभदा बंदा ओ कि जिंदे कोल जान दा कोई ना कोई फायदा होवे जेड़ा उंदा साथ दवे अबू जहल सब तो बंदा जेड़ा पहले मुंतखिब कीता हजरत अबू बकर सिद्दीक चलदा चलदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नू आप दे दरवाजे ते आया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नू आप नू कहन लगे अबू बकर एक गल दा जवाब दे आपने फरमाया पुछ की पुछना जानना वे उन्हें आख्या कोई आखे के मैं रात मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक मस्जिद अक्सा तो पहला आसमान दूजा आसमान रब दी नाल मुलाकात करके आया वा जन्नत दोजख दी सैर कीती ए सारा कुछ वेख के आया वा कुंडी हिल रही सी बिस्तर गर्म सी पानी चल रहा सी ए भला मुमकिन हो सकदा वे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाउन लगे ना ना ए कदी मुमकिन नहीं हो सकदा ओ कहन लगा फिर कोई आखे उन्हें आख्या कोई आखे फिर आख्या कोई आखे जदों दोबारा फिर आख्या आपने फरमाया दुनिया का कमीनिया मैं तेनू आख्या भी है मुमकिन नहीं दसते सी कौन है उन्हें आख्या जिस नबी का कलमा तू पढ़िया ना
उस नबी ने दावा किया कि मैं रब नाल मुलाकात करके आया। जो ये गल की ना हज़रत अबू बकर सदीक का रंग लाल सुहा हो गया, लाल सुहा रंग। तो जो वेख्या ना अपने आप ने फरमाया दुनिया का कमीनिया तू तो कहता सी कोई आके मेरा नबी कोई है, मेरे नबी तू लोगों के नाल मिला छड़िया। ऐ जेड़े कहते हैं कि नबी साडे वगरा ये दुनिया की उन्होंने प्यो उदू भी है सी, अज भी वह नस्ल चल रही, ये चलती पई वह नस्ल। वह भी कहते कि यह किवें हो सकता, यह भी कहते ने यह किवें हो सकता, वह भी कहता सी कोई आखे, ये भी आते ने साडे वगरा है। जो आम उन्हें भी आख्या कि नबी लोगों वगैरह आम ज शख्स है, तो यह भी कहते ने साडे वगरा, ये हजरत वह भी कहता सी कोई आखे। तो आपने फरमाया कोई आखे, वो कोई दुनिया का कमीना कोई होर बंदा होगा, मेरा नबी कोई नहीं, मेरा नबी वराउल वरा वे, मेरा नबी तो वे जिन्हों आला हजरत ने आख्या सबसे औला वो आला हमारा नबी। आओ मुसलमान भाइयों, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह खुदा अलैहि कह लगे फिर इधर लोकी आखन पर मेरा नबी दियो वे, मेरा नबी दी शाने आला वे, मेरे नबी दा मकामे आला वे। अगर मेरा नबी आखे फिर हो भी सकदा वे कुर्बान जावा। हज़रत अबू बकर सदीक चलदियां चलदियां अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच आए ने, आन के अर्ज कीती सोने मैं आ गल सुनी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया खा खा अबू बकर मैं रब दे नाल मुलाकात करके आया वा। जो ये गल की अबू बकर सदीक अर्ज करते ने सोनिया कोई मने ना मने मैं अबू बकर मनना वा। फरमाया कोई मन्ने या ना मन्ने, सुनिया किसी दे मन्नन दा कोई मान नहीं। सुनिया मैं जो मनना वा कि तुसी गए हो, मैं तो मन करी नहीं मैं मनना वा। इत्थे एक हज़रत अबू बकर की शान ते मैं कुछ चंद दिहाड़े पहले कुछ शेर पढ़िया सी, इह दोस्त बैठे ही होणगे यकीन नूं बड़ी बार बार फरमाइश की, पर मौका जो तो बने फिर ही गल की जाती, तो मौके से गल की जाए तो सोहनी लगती है, नहीं तो मालवी बंदे वास्ते कोई शेर फिट करना कोई औखी गल नहीं, पर मौके से जी गल की जाए ना वक्त से उनकी कदर भी होती है तो सोहनी भी लगती। आओ मुसलमान भाइयों, अरद की सुनिया कोई मने या ना मने, सुनिया मैं मनना वा। फिर असी कहने चार यार नबी दे हैं प्यारे, नहीं कोई इन्ना चारा वरीगा ना दर्दी अज तई पैदा की जान निसारा वरेगा आजम शाल सदीक की पूछना है कल्ला यार हजारा वरेगा आजम शाल सदीक की पूछना है कल्ला यार हजारा। सोने कोई मन्ने याद सोने अबू बकर मनदा है तुहानू मेराज हुई। हजरत बिलाल आए, बिलाल आए, अल्लाह ने नबी ने फरमाया बिलाल
जन्नती हुरां दे नाल तेरा सौदा कर आया वा, जन्नती हुरां दे नाल तेरा सौदा कर आया। बिलाल मैनूं इह दस, तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मुकाम है। या नबी अल्लाह की मकाम है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया बिलाल मैं वेखिया वे जन्नत विच, मैं सुनिया वे तेरी पैरां दी आवाज, जन्नत विच मैं सुनदा रहा वा बिलाल, केड़ा जिदा अमल करना वे जन्नत विच, तुरना जमीन दे वे कदमां दी आवाज जन्नत विच सुनाई देंदी है। बिलाल केड़ा जिदा अमल करना वे, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह खुदा अलैहि नु अर्ज करदे ने सोने आ, मैनू ते कोई नहीं पता मैं केड़ा इंज दा अमल, मालिक दी बारगाह च मेरा कबूल हो जावे, पर सोने आ एक अमल दा मैनू पता वे, जदों भी जिस वेले भी मेरा वजू टुट जान लावे मैं सोने आ फौरन वजू कर लैंदा वा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बिलाल ए तेरे वजू दी बरकत दी वजह दे नाल चलना तू जमीन देवे आसमाना दे उते, जन्नत विच तेरे कदमां दी आवाज सुनाई देंदी। फरमाया ए वजू दी बरकत, हजरत वजू बंदा जमीन ते करके जिहड़ा पा वजू रहिंदा, फरमाया मकाम इज्जत उस बंदे नूं ए मिलदी है कि चलदा जमीन ते उहदे कदमां दी आवाज जन्नत विच सुनाई देंदी है। इस वास्ते वजू दे नाल बावजू रहन दा आ फायदा है, बावजू रहोगे गुनाह तो बंदा बच जाएगा, बावजू रहोगे हर गुनाह तो बंदा बच जाएगा, बावजू रहोगे नमाज पढ़ने दिल करेगा, बावजू रहोगे अपने वड्डियां दा अदब करने तुहाडा दिल करेगा, बावजू रहोगे माँ बाप दा हया करोगे, बावजू रहोगे ते मालिक दी बारगाह च झुके रहोगे, बावजू रहोगे ते रब दा डर भी दिल विच रहेगा, मदीने वाले दी मुहब्बत भी दिल विच रहेगी। इस वास्ते बावजू रहन दा बड़ा फायदा वे। फरमाया चलना तू जमीन ते आसमाना ते तेरे कदमां दी आवाज सुनाई देंदी, ए वजू दा बावजू रहन दा ए शान है हजरत। इस वास्ते कोशिश करा करो हर वक्त काम काज करना होवे जेड़ा भी करना होवे बंदा वजू कर लवे, जदों वजू टुट जावे वजू कर लवो। और एक गल दी गरंटी मैं देना वा, मैं किसी किताब दा हवाला नहीं, ये मेरा ईमान है कि जेड़ा बंदा बावजू रहिंदा ना जो तो आखिरी वेला आंदा है ना तो सुन मुहम्मद की जात से बंदा कलमा पढ़ता दुनिया तो जाता। ये वजू बावजू रहने की बरकत है हजरत, उन्होंने मरते वक्त कलमा नसीब होता वे कि जेड़ा बंदा बावजू हजरत। इस वास्ते फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया पाक है वो जात जिन्ने सैर करवाई, कुरान भी तेरे अकीदे दी दुहाइयां पिया देंदा वे, फरमांदा पाक वो जात, लोग इस चीज़ दे भी मुनकर ने मिराज नहीं होया, कुरान कहंदा होया वे। फरमाया पाक वो जात जिन्ने सैर करवाई लई लन रात दे थोड़े जी हिस्से दे विच मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक, फिर पहला आसमान दूजा तीजा चौथा पंजवां सतवां जन्नत दोजख आसमान, नबियां दे नाल मुलाकात हुई, अल्लाह दे नाल मुलाकात हुई, वापस आए तशरीफ लैके आ गया। इत्थे हुण एक लोग गल करदे ने तुसीं मदीने दियां बड़ियां गल्लां करदे हो, आखिरी गल सुना के फिर इजाजत। फरमाया मदीने दियां गल्लां बड़ियां करदे हो ते मदीना मदीना कर दो, कभी मक्का तुहानू की कहते हैं मक्के दियां भी गल्लां करिया करो। असीं अलहमदुल्ला मक्के दे नाल भी मुहब्बत करने आ, मदीने दे नाल भी मुहब्बत करने आ, सानू मक्के दियां भी गलियां सोहणियां लगदियां ने क्योंकि उस जगह ते मदीने वाला टुरदा रहा वे, और मदीने दियां गलियां भी सोहणियां लगदियां ने उत्थे भी मुहम्मद दियां तलियां लगियां। आओ मुसलमान भाईओ, लोग कहंदे ने सिर्फ मदीने दा बंदा तसव्वुर रख के मदीने जाए तो ना हज हुंदी ए ना उमरा हुंदा वे। मैं क्या बेलिया हज उमरा तेरा नहीं होता होना, साडा अलहमदुल्ला हो जाता वे, साडा हो जाता वे, क्योंकि ये असी कल्ले दुआई मदीना मदीना नहीं करते, ये फर्शी सिर्फ मदीना मदीना नहीं करते, अरश वाले भी मदीना मदीना करते। आओ मुसलमान भाइयों, ये फर्शी कल्ले नहीं,
ए अरशा वाले भी मदीने दिया दुहाइया देंदे ने, आओ मदीने दिया दुहाइया देंदे ने अरशा वाले भी, क्योंकि मेरे नबी दा फरमान है 70,000 सुबह 70,000 शाम नू मेरे रोजे दे फरिश्ते आंदे ने। 70,000 सुबह 70,000 शाम, कदी आज तिकर किसे मालवी ने तकरीर की कि 70,000 सुबह तो 70,000 शाम मक्का शरीफ दे विच फरिश्ते आंदे। सुनी कदी गल, वो मैं फरिश्ते नू पुछया तुसी मक्के क्यों नहीं जांदे, कहंदे मक्का वो तुहाडे वास्ते काबा, साडे वास्ते काबा नहीं हैगा, साडे वास्ते वो काबा नहीं, क्यों? उन्हां कोल भाई दलील है, वड्डी दलील इस गल दी, जिथे काबा है ना बिल्कुल ऐन काबे दे उत्ते उन्हां दा काबा फरिश्तियां दा, बैतुल मामूर कहंदे ने साडा काबा उत्ते। फरमाया मदीने वाल की लैण आंदे हो फिर, जो तुहाडा काबा उत्ते तुसी साडे काबे नूं नहीं मानदे ते फिर मदीने वाले वाल की लैके आंदे हो। उन्हें आख्या अल्लाह की इज्जत की कसम है फरिश्ते भी दुहाइयां देंदे। कहन लगे मुर्तजाई साहब सुनो, मक्का तुहाडा, बैतुल मामूर साडा, पर रब्बे काबा की इज्जत की कसम है अल्लाह ताला ने काबा दे वक्खो वक्क बनाया वे, पर मदीने वाला अल्लाह ने अर्शियां वास्ते फर्शियां वास्ते इक्को ही नबी बनाया वे, अर्शियां वास्ते और फर्शियां वास्ते सोना हबीब इक्को ही बनाया है, जेड़ा नबी तुहाडा है ओही नबी साडा वे। हजरत इस वास्ते वाकई मेराज तुसी सुनिया चंद लफ्जा ने अंदर, और इंशाअल्लाह अज़ीज सोमवार का दिहाड़ा होगा, रात मंगल होगी, 27वीं की रात बनेगी, शबे मेराज की रात, आले नबी औलाद अली पीर सैयद इस्माइल शाह बुखारी आप मुल्तान शरीफ, इस सैयद ज़्यादा है अपने नाने की मेराज की गल सानू सुनावेगा, अपने घर की गल आप भी सोना सही सुना देगा, तो कोशिश करनी जिन्हें दोस्त बैठे हो आना जरूर है, सैयद ज्यादा आए भावा पिछो परेशान भी होवे इत्थे आवे तो परेशानी खत्म हो जाए, जौक वेख के हैं कि इशा की नमाज बाद जमात अदा करनी, तुहानू पहले भी पता कि जेड़ी प्रोग्राम मैं करवाए ना वो रात लंबे नहीं होंगे, घंटा सवा घंटा डेढ़ दो घंटे मसा ऐदा ही है ना, दो हुए ना पहले, होने वाला भी इदा ही होना है, एक दिलावत होएगी एक नाद होएगी ते बाद जो शाह साहब का बयान होएगा ते बाद जो इंशाल्लाह लंगर शरीफ भी तकसीम किया जाएगा, ते सारे दोस्त शरीफ लैके आओगे, ये मेरे नाल वादा नहीं करना, रब नाल वादा करते पे मस्जिद बह के, इशा की नमाज बाद जमात अदा करनी ते शाह साहब का बयान भी सुनना है, इंशाल्लाह तुहानू मेराज दियां गल्लां दोबारा सुनाओगे, अल्लाह के दवा है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। टुर पैने रल के दोराही जिब्राइल ते रब दा इक माही, टुर पैने रल के दोराही जिब्राइल ते रब दा इक माही, इक सिदरा तेरे जाना है दूजा कोल बुलाया जाना है, इक सिदरा तेरे जाना है दूजा कोल बुलाया जाना है, गारां विच रोवण वाले नू अरशां ते बुलाया जाना है, यो वजदे काबा कौसैन उते अज जागे ने मेरे भाग सुते, यो वजदे काबा कौसैन उते
अज जागे ने मेरे बाग सुते अज मिलना है दो राता ने अज मिलना है दो जाता ने अज नूर वसाया जाना है अज मिलना है दो जाता ने अज नूर वसाया जाना है गारा विच रोवन वाले नू ओ अदना ते बुलाया जाना है चन मुड़ मुड़ रावा तकदा है ए अरश भी तांगा रखदा है चन मुड़ मुड़ रावा तकदा है ए अरश भी तांगा रखदा है अज बख्शिया जाना उम्मत ने अज बख्शिया जाना उम्मत ने बख्शिश नो लुटाया जाना है गारां विच रोवन वाले नो मेहमान बुलाया जाना है इस रात दे तारे दस देने अज अरश सजाया जाना है गारा विच रोवन वाले नू मेहमान बनाया जाना है।